ठीक है, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। मैक्सिकन लीग का एक मैच हो रहा है एफसी जोरेस वर्सेस मेजलाल्टन के बीच 8.25 घंटे बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, तो एफसी जोरेस और मेजलाल्टन में जो टीम जीतेगी वो है मेजलाल्टन। एफसी जोरेस रैंकिंग में सबसे नीचे है, नीचे से सबसे ऊपर, मतलब आपको मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस टीम के लिए। इस टीम को खेलना ना आ सकता है, ना ही खेल सकते हैं, बस एक ही शब्द है, बहुत ज़्यादा भरोसा भी कई बार ना हरा देता है। इसलिए मैं यही सिखाता हूँ कि कभी भी इतना भरोसा किसी प्लेयर पर मत करो, क्योंकि देखो जब चलना होता है चलेंगे, लेकिन आप पूरा बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो, ठीक है, बस नॉर्मल ठीक रहता है और फुटबॉल है ना। तो सबसे पहले हम बात करें गोल कीपर की, देन यहाँ पर एच गोंजालेस, हुगो गोंजालेस को इन्होंने चांस दिया फिर से, मतलब है तो गेम इसकी। और मैं तो सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि 8 क्रेडिट में मिल गया टॉप का प्लेयर, तो मेरे को तो बहुत खुशी है कि मेरे पास क्रेडिट भी बचे हैं और मेरी टीम भी फुल्ली मेंटेन है। एंड बात करें डिफेंडर्स की, तो 4 डिफेंडर मैंने लिए हैं, वो है मेजलाल्टन की, क्योंकि मेजलाल्टन की मुझे लगता है क्लीन शीट लगेगी इस मैच के अंदर। और अगर नहीं भी लगी तो भी हमारे, अगर दोनों तरफ से एक भी गोल नहीं होता तो भी आप जीतोगे, दोनों तरफ से गोल होता है तो भी आप जीत सकते हो, फिर चांसेस थोड़े कम हो, लेकिन अगर मेजलाल्टन अकेली जीतती है तो कंफर्म आप जीतोगे। इसलिए मैं विड्रियो को ले रहा हूँ, इसको लोग कैप्टन रख रहे हैं, क्योंकि मेजलाल्टन टीम ने खास परफॉर्मेंस दी नहीं तो डिफेंडर्स चल पड़ते थे कई बार, बिना कुछ करे भी 30-40 पॉइंट दे जाते थे, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैं विड्रियो की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। एंड एन दियास की बात करें, एन दियास भी मैंने, इन दोनों की आपस में बहुत बनती है, विड्रियो और एन दियास की, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। एम ओलिविरिया की बात अभी मैंने करूँगा नहीं, बाद में करूँगा, सबसे पहले बात कर लेते नीचे से, जैसे कि पेडिला को खिला रहे हैं, जॉश पेडिला ने पिछले मैच के अंदर किया था जोरदार असिस्ट, इसको इंजरी हुई थी पिछले मैच में, अब शायद ये ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई भी इंजरी रिपोर्ट इस प्लेयर के रिगार्डिंग नहीं आई, आई होती तो शायद ये मेरी टीम में ना होता। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर है ऑसवेल्डो एलन, इस वॉज डूइंग 4th डिफेंडिंग, और 4th डिफेंडिंग में इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन कैसे दिखा पा रहा है प्लेयर, मुझे तो समझ नहीं आ रही। उल्टा मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मेरी टीम में भी है, प्रदर्शन भी अच्छा कर रहा है, और मेरे नज़र में ये रिस्क नहीं है। मानता हूँ आप लोगों की नज़र में ये दोनों प्लेयर रिस्की हैं कि इनकी सिलेक्शन नहीं है, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा सेफ प्लेयर है, इनसे ज़्यादा सेफ कोई नहीं है। एंड आगे से बात करें एम ओलिविरिया की, ओलिविरिया को लेने का कारण ये है क्योंकि मैं इसकी जगह कोई भी मिडफील्डर और स्ट्राइकर नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे एफसी जोरेस टीम पे भरोसा नहीं है। अगर आज मेरे पास, मैं कसम से कह रहा हूँ, अगर आज मेरे पास ऑप्शन होती कि मेजलाल्टन के 11 प्लेयर लेने हैं, तो मैं 11 के 11 मेजलाल्टन के उठाता, जोरेस के 0 रखता, क्योंकि भाई ये भी जो 4 प्लेयर मैंने लिए वो मेरी मजबूरी है। एंड आगे से बात करें आरके की, आरके चलो इनका ठीक है, हाँ ये प्लेयर ये अच्छा है, फर्नांडो आरसी बहुत अच्छा चलता है, इसलिए मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है। कई गिने चुने प्लेयर होते हैं जो अच्छे होते हैं टीम में, बाकी जो होते हैं ना वो हरवाने के कारण होते हैं। एंड आगे से बात करें मार्टियस की, देन मार्टियस सिर्फ और सिर्फ असिस्ट पे ध्यान देता है, लेकिन आप असिस्ट तो ढंग की करो, ध्यान आप असिस्ट पे देते हो, असिस्ट करते नहीं, प्लेयर को कह रहा हूँ मैं कि ध्यान ये असिस्ट पे देते हैं और असिस्ट ज़्यादा कर नहीं पाता, सो तभी इनकी टीम पीछे रह रही है। एंड आर मिराज की बात करें, फैबियन की जगह पर मैंने लिया है, ऊपर आप एक प्लेयर देखो, ये एम फैबियन, इसकी जगह पे मैंने मेराज लिया है। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर है निकोलस बेनेडिटी। निकोलस बेनेडिटी को आप अपनी टीम का कैप्टन रख सकते हो ग्रैंड लीग में, या फिर वाइस कैप्टन। मेरा कैप्टन जो रहेगा वो है सोसा, मैंने पहले ही बोला था सोसा फॉर्म में आ गया, तो मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा कोई गोल नहीं कर पाएगा पूरे सीजन में, ऐसा बंदा है, एक एक मैच में हैट्रिक दिखाता है। एंड आगे से बात करें, मेरा कैप्टन है सोसा, वाइस कैप्टन है विड्रोई, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखो ये मेरी कॉम्बिनेशन है, रिस्की टीम है, बट कोई बात नहीं। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।